कृपाल मधुम शरण भगवारण नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पदे कंजारण कंजारो अगण ते अमित छबुना नीर नीरज सुंदर पद पीत मानो तरित लुत सुत नौमि जनति सुतावर बजु दीन वंद विदेश दानम दैत्य वंद निकंदन रघुनंद आनंद कंद कोत कंद दशरथ नंदन। देखिए दशमन नगर की 166 साल पुरानी रामलीला, ये ऐतिहासिक रामलीला है, तो इसका तो आज ही शुरुआत हो रही थी और आज ही समाप्त हो रही है। ये दुर्भाग्य है, अब की बात तो वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से, और इससे पहले एक बार जब गदर हुआ था देश में तब नहीं हो पाई थी, और दूसरी बार अब वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से इस समय नहीं हो पा रही है। वैसे तो हो सकती थी तो दूसरे लोग कर सकते थे, इजाज़त तो दे देते वहीं पर देते जहां रामलीला हो रही थी, लेकिन नहीं दी, 200 लोगों को दे देते परमिशन। लेकिन जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, यहाँ से चलती बारात निकलती हो सकती थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से नहीं हो पा रही। देखिए ये रामलीला विश्व स्तर की रामलीला है, और यहाँ इतनी भीड़ होती है, और यहाँ के लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये मेला है। जसवानगर का रामलीला हुआ, राम बारात हुई है, भरत मिलाप हुआ है, अब यहाँ के जो मेला कमेटी ने है कब सम्मेलन भी किया है, और हमारा तो कमेटी के लोगों से और बबलू से कि कब सम्मेलन जरूर करा दिया जाए, उसमें अच्छे अच्छे कवि बुला करके जरूर कब सम्मेलन करा दिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा जो दर्शक देख रहे हैं कि जसवंत नगर की जो रामलीला है वो एक बहुत ही विशेष रामलीला है, जिसका महत्व आप लोगों को जानना चाहिए। इसमें उत्तर और दक्षिण के दोनों का तत्व मिलता है। मैंने जब इसको बड़े ध्यान से देखा 10 वर्ष पूर्व वेदव्रत गुप्ता जी के कारण हम यहाँ आए, और इसको मैंने देखा तो बड़ा छोटा सा गाँव था, मुझे लगा कि बहुत विशेष ये रामलीला नहीं होगी, लेकिन अचानक बात करते करते जब रामलीला में इसको लेकर के वो जो राम रावण का जो पुतला बनता था, जो उसकी पृष्ठभूमि थी, दूसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है बनारस का। जब इनकी गलियों में घूमिए, इनके खान पान को देखिए, यहाँ पर तो आपको एक लगेगा कि अगर किसी को पकड़ के छोड़ दीजिए तो लगेगा जसवंत नगर नहीं बनारस में। वो जो व्यापारी बनारस से आते थे वो व्यापार करने के साथ साथ संस्कृति को भी लेकर आए। आप हनुमान जी का मुखौटा देखिए, जो प्रस्तुतिकरण देखिए, रामनगर की रामलीला को दुनिया मानती है कि ये विश्व एक स्तर का है, यूनेस्को ने उसको इंटेचिबल घोषित किया। रामनगर की रामलीला से ये श्रेष्ठ रामलीला इसलिए है कि वहाँ उसको राजा समर्पित करते थे, ये जन रामलीला है। बनारस की राम काशी की रामलीला रामनगर की वो राजा के द्वारा राज रामलीला थी, ये जन रामलीला है जो चंदों से आपके चलती है, हर घर के लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, ये आपकी रामलीला की। और आज जो ये जन ने जन जन ने ये साबित कर दिया कि हम अपने किसी भी बड़े दुश्मन से हम हारेंगे नहीं, हमारे जीवन की इच्छा, हमारे लोगों की इच्छा, राम का नाम लेकर के हमने मुसलमानों को हराया, राम का नाम लेकर के हमने अंग्रेजों से युद्ध किया स्वतंत्रता संग्राम के, और पुनः नई परिस्थितियों में हमारे राम जो हैं फिर हमारे एक साधक बन रहे हैं, एक प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं।